विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। आइए आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ बिहटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शिवशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा तरारी प्रखंड के अंतर्गत ये बिहटा पंचायत आता है। बिहटा पंचायत अपने आप में काफ़ी अच्छा और सुदृढ़ पंचायत है और ये मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते हमारे बीच बैठे हुए हैं शिवशंकर सिंह जी। हम आपको बताएं, इनकी पत्नी मुखिया हैं लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने काफ़ी अपनी मुखिया की टोटल जवाबदेही और जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाते हुए काफ़ी सुंदर विकास किया है। आइए बात करते हैं, जानते हैं विकास के बाद। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, इस नाते मैं जानना चाहूँगा लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में आपका विकास तो खैर दिख रहा है, बहुत अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मेरा पहला सवाल, ये जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है 7 निश्चय योजना, आपके अनुसार ये कैसी योजना है? 7 निश्चय योजना तो ठीक है, हमारे यहाँ 6 वार्ड में जल नल का कार्य हो रहा है, 14 वार्ड है हमारे यहाँ, 9 वार्ड जो है वो PAT से हमारे गांव में कराया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि नल का कार्य बिछाई हो रहा है, बहुत अच्छा है कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव के चलते अभी वो अन्य वार्डों में कार्य रुका हुआ है। यानी कि 14 वार्ड है? 14 वार्ड है हमारे यहाँ। 14 वार्ड में ये टोटल चयनित वार्ड कितने हैं? चयनित वार्ड 6 हैं नल जल से, और 9 हमारे PAT से पहले टेंडर हो गया है, उसमें अभी काम नल की बिछाई हो रही है। जी जी, मुखिया चाहे थे टोटल कितने गांव आते हैं इसमें? 6 गांव होते हैं। कौन कौन? इसमें सैदनपुर, तिरोजपुर, पूर्वी इंग्लिश, पश्चिमी इंग्लिश और एक टोला है कोठिया और धनपुरा। जी जी, बहुत बढ़िया। ये शौचालय की यदि बात की जाए, केंद्र सरकार के द्वारा हर घर में शौचालय लगाने की बात चल रही है, यहाँ तक कि मैक्सिमम पंचायत ODA भी हो गए हैं। सरकार इस पर काफ़ी जोर भी दे रही है, लघु नाटक के द्वारा, TV चैनल के द्वारा, पत्रिका के पेपर के द्वारा। तो आपकी ये जो पंचायत है इसमें आपका क्या रोल है, यानी कि इस पंचायत का क्या स्थिति है अभी? हम लोग लगे हुए हैं लेकिन गरीब जनता जो है वो कह रही है यही कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस समय बरसात का मौसम है, पैसा मिलेगा तो हम लोग किसी तरह, लेकिन पैसा तो सरकार देगी नहीं, लेकिन हम लोग तत्पर हैं कि किसी तरह शौचालय बनवाया जाए और उन लोग को जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है, 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है, उसको दिलवाया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी कितना परसेंट शौचालय आपके घर में, ये पंचायत में लग चुके होंगे? हमारे यहाँ अभी करीब 30% शौचालय बन चुके हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी, चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में बहुत बढ़िया आप काम भी कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी परेशानियां जो आपके आसपास आ रही है, आप चाह के भी उन परेशानियों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, या और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इन सारी बातों को लेकर सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को हम सुझाव देंगे कि हमारे यहाँ, हम 2.5 वर्षों से प्रतिनिधि, हमारी पत्नी नहीं है, 2006 से BDC हैं, 2011 में हमारी पत्नी और हमारी दोनों भाव, दोनों आदमी BDC इस पंचायत की थी, तीसरी बार में मतलब मुखिया बनी है। जी जी, तो हमारे यहाँ बहुत लोग, सभी लोगों को, अधिकतर लोगों को जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, विकलांग है, उनको सरकार द्वारा हमने पेंशन राशि स्वीकृत करा दी है, वे पेंशन पाते हैं। हमारे यहाँ जरा नहर की पानी की समस्या है, हमने मांग की है कि हमारे यहाँ जो चल रहा है सोन नहर प्रणाली में, इसको पक्कीकरण किया जाए, तो हमारे यहाँ जल्द से जल्द पक्कीकरण हो ताकि किसान सुखी और समृद्ध हो सकें। पानी बहुत कम आता है, ये ऊपर में है, बिहटा जो गांव है नीचे, बिहटा गांव से नीचे और ऊपर दोनों पानी अच्छा होता है नहर का, लेकिन ये गांव ऊपर में है, पानी पहुंचने में देर होती है, दिक्कत होती है, नहर हमेशा टूटा रहता है। कल मैंने अपने पास से नहर टूटा हुआ था, अपने पास से दे करके पैसा नहर को बनवाया है। चलिए, देख रहे थे अभी हमारी बात हो रही थी, ये बिहटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और काफ़ी सुंदर और सुदृढ़ विचारधारा के इंसान हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में सरकार के जो ये 7 निश्चय योजना चल रही है उसका सराहनीय कदम बताते हुए इन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। पैसे के अभाव में बहुत वार्ड में काम नहीं लगा है, लेकिन मैक्सिमम वार्ड जो है इनके वार्ड में काम चल रहे हैं।
सबसे अच्छी पहल और अच्छी बात इन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा सा नहर से जुड़े हुए हैं और यही हमारे यहाँ की सबसे किसानों के लिए नहर सबसे इम्पोर्टेंस होती है और इस नहरों पर ध्यान देना चाहिए, किसानों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत वाकई तारीफ़ काबिल है सर। और कुछ आप कहना चाहिए? नली गली में भी काम चल रहा है। अच्छा, नली गली में जी जी हुआ है, अगर आप कहिएगा तो हम चलकर दिखा भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत जी, बहुत सुंदर। नली गली में भी काम चल रहा है और थोड़ा सा सरकार का ध्यान रहे तो निश्चित तौर से मुखिया जी अपने इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में अपनी सफलता को हासिल करेंगे। धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन राजा के साथ। थैंक यू।